श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुभान। शांत सनातन अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भानु विपुल कबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे अनेकों रीत वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे उहानी सा चर रही तटंका जब ते जारी गयो कभी लंका निज निज ग्रह सब करही चारा नहीं निसी चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जात दोत बल बरनी न जाई तेरी आए पुर कवन भलाई तू दिन सन सुन्य तुर जन पानी जिसके दूत का बल बढ़न नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर आने पर भला कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहती जोरी कर पति बदलाही बोली बचन तीरस पाही कंत हरत हरि सन परिहर हूँ मोर कहा अति तहिय धरम। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति से पगी हुई वाणी बोली हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जात दूत कई करनी स्वही कर भर जनी जर धरनी आ सुनारी निज सचिव बुलाई पटवहु कंत जो चाहूं भला। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा कम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दीने इदन कुमार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी
कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना, शंभू और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सहित निकर निसाचर भे, जब लगी रहत न तब लगी जतन करहु सजी के। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान, जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की, हनुमान की।